हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अप। मैं योगेश्वर। तो आज मैं सुकुमार ढाली का जो छोटा भाई है सुमित ढाली, इसके साथ डेमोडो का जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो कराऊंगा। और नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी क्लिप्स होंगी वो छोटी छोटी और वो डेमोडो की बेसिक्स होंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो हमारी है वो ये है, यहाँ पर पैर रखने आपको आगे, और देन डेमोडो की तरह आपको हाफ टर्न करना है, सिर्फ वो वाला हैंड है और यहाँ। तो मेक श्योर रहे, पहले आपको देखना है देन हाथ डालना है, मतलब जल्दी हाथ पुल नहीं करना, आपको पहले देखना है नीचे देन हाथ करना है। जैसे हमारा जूनियर आपको एक डेमो देगा, और बॉडी एकदम स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए ऐसे, और मैं इसको रिवर्स में भी लाता हूँ ऐसे, ताकि इजी रहता है थोड़ा सा करने में क्या, और जो रिवर्स हैली का है, जो उल्टी हैली का है, उसका भी बेसिक साथ साथ हो जाता है। देखो बॉडी लाइन जो है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, देखिए डाली की जूनियर की तरह परफेक्ट। तो फर्स्ट स्टेज ही हमारी क्लियर होगी। आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो ये वाला क्लियर करना है, ताकि आपको सेंस रहे कि आपका वेट कहाँ पर है और वेट किस तरफ जा रहा है, और बॉडी लाइन में बहुत अच्छा, मतलब बॉडी लाइन में जो है आपको मेन ध्यान रखना है अपना। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो करना है, स्टेप जो हमारा होगा वो फुल टर्न करना है आपको, और सेम ऐसी एक बॉक्स लगा के फुल टर्न करना है आपको, और बॉडी लाइन सेम आपको स्ट्रेट रखना चाहिए। मेक श्योर कि बॉडी लाइन आपकी स्ट्रेट रहे। तो आपने ध्यान दिया होगा इसमें जो बॉडी लाइन थी वो एकदम स्ट्रेट रही थी, और स्ट्रेट से क्या है, ट्विस्टिंग जब भी करते हैं तो स्ट्रेट होता है। अच्छा, अगर हुक बना दे तो आर्च बना लिया, तो उससे क्या है कि टर्निंग में प्रॉब्लम होगी और वेट भी डिसबैलेंस होगा। तो मेक श्योर आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए एकदम लाइन की। तो इसके बाद हमको क्या स्विंग करना है, और स्विंग भी सेम ऐसे ही स्ट्रेट बॉडी में करना है आपको। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जैसे जब आगे जाते हैं ना तो स्टॉप करता हूँ, उससे क्या थोड़ा सा सेंस आता है। सेंस मीन्स कि आपको कब करना है टर्निंग, कभी कभी क्या होता है जल्दी अर्ली टर्न हो जाता है, तो पकड़ने से क्या होता है कि वो लेट टर्न करते हैं और थोड़ा सेंस बिल्ड हो जाता है उससे, तो लेट टर्निंग स्टार्ट होती है और क्विक मूवमेंट हो जाता है। तो डेमो देगा हमारा, तो ये जो है ये आपको स्विंग करनी है, और बच्चे का जो भी है या फिर आप कर रहे हो उसको सेंस बिल्ड करने के लिए ऐसे होल्ड करना है, और ताकि बॉडी लाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट रहे एंड देन फील रहे वेट जो हाथों पे है, वेट फील होना चाहिए आपको। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो करके दिखाएंगे जूनियर में। तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा आपको पूरा टर्न करके देन वहाँ पर आर्म्स रखने, जैसे हम वहाँ पर हाफ टर्न कर रहे थे वही हाफ टर्न बाहर को ना पकड़ के बाहर की तरफ करना है। और मैं स्विंग से प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्विंग से क्या थोड़ा सा वेट रहता है और जो बॉडी है वो आपकी एक लाइन में रहती है, तो उससे क्या है कोऑर्डिनेशन बन के आप टर्निंग ईजिली कर पाते हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, आपको जैसे आपने बाहर की तरफ पकड़ा था वैसे ही सेम आपको बाहर को पकड़ना है, बट उससे पहले मेक श्योर रहे कि आपका जो मूवमेंट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, बॉडी एकदम लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका टर्निंग लेंथ होना चाहिए, उसके बाद आपको ये वाले स्टेज पे जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिस आर्म्स पे आप टर्निंग कर रहे हो ना वो आर्म्स एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ताकि अच्छे से वेट आए। मैंने बहुत लोगों का देखा बैंड रहता है, तो बैंड में क्या वेट थोड़ा सा इधर डिसबैलेंस हो जाता है। मेक श्योर रहे कि आर्म्स आपका एकदम स्ट्रेट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो फुल टर्न कराते हैं हम। तो एक डाली आपको डेमो देगा छोटे में, तो आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉय माय वीडियो। तब तक के लिए हैव फन। जय हिंद।